सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में पहली बार गो सेवा मिशन के राष्ट्रीय प्रधान स्वामी कृष्णानंद महाराज के आशीर्वाद से गो सेवा मिशन की ओर से श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के सहयोग से 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय श्री तुलसीदास जी जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में 24 घंटे तक चलने वाले श्री हनुमान चालीसा, श्री सुंदरकांड पाठ, अखंड विजय, श्री हरिनाम संकीर्तन, भागवत कथा एवं संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ प्रातः 11 बजे किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल ने विशेष रूप से उपस्थित होकर ध्वजारोहण की रस्म अदा कर इस सम्मेलन का शुभारंभ किया। इससे पहले सुबह 5 बजे मंदिर परिसर से प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि इलाके की परिक्रमा कर वापस मंदिर प्रांगण में आकर संपन्न हुई, जिसके पश्चात सुबह 8 बजे से 12 बजे तक ब्राह्मणों, वेद पाठी, आचार्य एवं भक्तों द्वारा 108 हनुमान चालीसा पाठ किए गए। इस मौके पर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यह सारा कार्यक्रम गोरक्षा, विश्व शांति, हिंसा, आतंकवाद, भूकंप, बाढ़, बेरोजगारी आदि के महाप्रकोपों को रोकने के लिए करवाया जा रहा है। इस मौके पर गो सेवा मिशन के प्रमुख सेवक जवाहर खुराना सहित असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जय राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम। नमः भगवते जगदम्बा त्रिपुर मालिनी की सिद्ध पीठ देवी तालाब मंदिर जलंधर पंजाब में आज परशोत्तम मास के पावन पर्व पर श्रावण मास में माँ भगवती की अनंत कृपा, गुरु जी ने महापुरुष की कृपा से दिव्य अखंड गोज्योति व अखंड हरिनाम संकीर्तन व अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन आदि तीर्थों से आए हुए विपज्जनों के द्वारा भगवत आराधना का पावन अनुष्ठान का शुभारंभ हुआ। सब देवी गौ माता की सेवा रक्षा, सनातन धर्म की पावन परंपराओं की रक्षा हो, जन जन के हृदय में भगवत प्रीति हो, भारत अखंड हो, देश व विश्व में व्याप्त आश्री तामसी शक्तियों का नाश हो, इसी पुत्र उद्देश्य को लेकर के गो सेवा मिशन कर रहे हैं। माँ भगवती की कृपा करने से और हमारी माँ पित्र सिद्धपीठ के परम सेवक शीतलवती जी और उनके साथ हमारे सभी मंदिर की कमेटी के जितने भी सदस्य, श्री बहन जी व सभी सेवकों के लिए, जलंधर निवासियों के लिए आज परम सौभाग्य का दिन है। माँ की कृपा करने से आज गो ज्योति और अखंड नाम संकीर्तन भगवान जहाँ हुए हैं, मैं माँ भगवती के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ। हे माँ भगवती, माँ तेरी कृपा से ही पूर्व समय में भी सनातन धर्म संस्कृति गौ माता की धर्म की रक्षा हुई है। किसी समय छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी आपकी कृपा को मां प्राप्त करके व हमारे अनेकों अनेक महापुरुषों ने आपकी कृपा करने से ही सनातन धर्म संस्कृति रक्षा करी थी। हम भी माँ आपके चरणों में यही प्राप्त करते हैं। हम सब सनातन धर्म रहने पर कृपा करें और हमारे जीवन में गौ माता की सेवा रक्षा हो, वो हत्या का कलंक के भारत की भूमि से मिटे, भारत विश्व गुरु बने, भारत अखंड हो, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपके ही पद से लिए श्री श्री बहर जी देवी कला मंदिर के सभी श्रीगण, हमारे भारत खाना जी श्री गजानंद जी व
और जितना भी रविंद्र का माँ भगवती का कृपा करना प्राप्त करते रहे वो सबके लिए आपके चरणों में प्रणाम करता है, आपकी कृपा करना चाहता हूँ। सभी रविंद्र वासियों को श्रीयावासी प्रार्थना करते हैं कि ये भगवत आराधना का जो अनुष्ठान विजय मंत्र जिससे निश्चय ही विजय होती है, श्री राम जय राम व हनुमान जी से कृपा अनंत बलवंत श्री राम दूत जिनकी कृपा से त्रिकोण त्रिभुवन से तन की रक्षा हुई है, साधु संत के पुनर द्वारे असुर कन्न राम द्वारा दुर्गम काल जल्द के देते शुभ मानी देते थे, जहाँ विप्रों के द्वारा हनुमान जी से के शुभों के अक्षर पाठ लेते हैं। आज प्रथम दिन था इसलिए कल से 5 बजे माँ भगवती के पूरे प्रारंभ किए करेंगी नाम और अखंड संकीर्तन चले चलेगा आपका जब भी मन करे आप उनके चरणों में आकर के उनके नाम का प्रणाम प्राप्त करें। 9 बजे मित्रों के द्वारा 108 हनुमान जी सिद्धपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के प्रांगण में ये जो 40 दिवसीय स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का उत्सव महा उत्सव मनाया जा रहा है, इस समुचे जलंधर वासियों को शुभकामनावां, खास करके साढ़े परम पूज्य स्वामी कृष्ण जी महाराज जी की संध्या विच जो प्रोग्राम 40 दिवसीय हो गया, सारे समुचे जलंधर के जिन्हें भी धार्मिक राजसी और राजनीतिक जिन्हें भी लोग हैं सबू हाथ जोड़ के महाराज जी वालों बेनती है इस प्रोग्राम में सफल बना आके दर्शन कर हनुमान चालीसा सुंदरकांड जी के जो पाठ रखे जाएंगे उन्हें नित्या संकीर्तन किया जाएगा और गौ माता का आशीर्वाद लेने वास्ते सारे वक्त तो वादे स्नान दान स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की अध्यक्षता में और गौ सेवा मिशन के साथ मिलकर जो यहाँ पे देवीतला मंदिर के प्रारंभ में यज्ञ हो रहा है वो 40 दिन के चल रहा है, यहाँ श्री राम का और हनुमान चालीसा का 24 ओवर वो पाठ होता रहेगा और मैं शहर वासियों और पंजाब के सारे श्रद्धालुओं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे इतने आके नज़ारा देख और महाराणी का और प्रभु राम का आशीर्वाद लगा। जग जननी जगदम्बा माँ की अपार कृपा से परम पूज्य गुरुदेव जी के सनिधि में गो सेवा मिशन के तत्वदान में 40 दिवसीय स्वामी तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का जन्मोत्सव बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है। देवी तालाब मंदिर की संपूर्ण कमेटी का संपूर्ण सहयोग जिसमें है, हम सभी शहर निवासियों को प्रार्थना करते हैं, पूरे पंजाब के सेवकों को प्रार्थना करते हैं कि आप लोग इस यज्ञ में जरूर भाग लें, क्योंकि इस यज्ञ का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जो महाराज जी का संकल्प है कि आज भारत में जो हमारे राष्ट्र में ये असुरी शक्तियों का आगमन हो चुका है बड़ी मात्रा में, उसका विनाश कैसे हो, उसकी रोकथाम कैसे हो, हमारे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, हमारे राष्ट्र का उत्थान कैसे हो, संस्कारों को कैसे बचाया जाए, संस्कारों को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर ये स्वामी जी का जो संकल्प है इसको सिद्ध करने के लिए हम सब लोग संपूर्ण रूप से सहयोग दिए, क्योंकि आज भारत पर सबसे बड़ा संकट यही है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है और हमारे बच्चों के संस्कार लुप्त हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए ये वहाँ यज्ञ हो रहा है, हम सबका परम सौभाग्य है और ये हमारा फर्ज भी है, हमने इसमें संपूर्ण रूप से सहयोग देकर अपने आने वाली युवा पीढ़ियों को प्रेरित करना है और अपने आने वाले बच्चों के संस्कारों को बचाना है। आइए हम सब मिलकर स्वामी जी का संकल्प सिद्ध करने के लिए सभी लोग संपूर्ण रूप से सहयोग दें। जय गो माता, जय गोपाल।